शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप लोग दुनिया इधर की उधर हो जाए, रात को ठीक 9:30 बजे आप आ ही जाते हैं मुझसे मिलने के लिए, कविताएं सुनने के लिए, शायरी सुनने के लिए। और क्यों ना सुने साहब, इस देश में ऐसा कहीं नहीं होता जो हम करते हैं। आप OTT प्लेटफॉर्म पे जाइए, आपको ऐसी ऐसी सुनने को मिलेगी जैसी जैसी आपने जमाने में नहीं सुनी हो। टेलीविजन सीरियल देखिए, 7 जन्म तक काम मिल गया है। मरेगा जिंदा हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा मरेगा, फिर जिंदा हो जाएगा, दूसरी शादी होगी, तीसरी शादी होगी, पता ही नहीं चलता हो क्या रहा। लेकिन यही एक जगह है जहां मुस्कुराहट भी है, हंसी भी है और ज्ञान भी है। लेकिन ज्ञान हर जगह नहीं बांटना चाहिए, वरना आपसे बड़ा ज्ञानी कोई मिल गया ना तो आपका ज्ञान फिर कोई काम नहीं आएगा। जैसे एक भिखारी एक आदमी को कहा, भाई साहब 3 दिन से भूखा हूं, 1 रुपया दे दीजिए। 3 दिन से, और हमारे यहां देश में भीख से ज्यादा लोग ज्ञान देते हैं। जैसे कहा 3 दिन से भूखा, 1 रुपया दे दीजिए। अब उसने ज्ञान दे दिया, अबे 1 रुपये में क्या होगा, 3 दिन से अगर भूखा है तो क्या हो जाएगा 1 रुपये में। वजन चेक करूंगा कितना कम हो गया भूखा रह के। ज्ञान मत दे मुझे। हालांकि फोकट कितना अच्छा शब्द है ना, बहुत बढ़िया। अब पत्नी पति को ज्ञान देने लगी, फिल्में ज्यादा देखती है ना आजकल औरतें घर में बैठी। अब पति वैसा झल्लाया हुआ बैठा, पति वैसा बेचारा झल्लाया हुआ रहता है घर में आता है तो। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, 2-3 बार बोल दिया। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, DK नाम था पति का। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, DK बाबू। अब ये कागज उठा के ले आया, महीने का खर्च 12,000, मेडिकल का बिल 8,000, 20, फोन 4,000, 24,000, घर की EMI 11,000, 35,000, दाल चावल आटा दही 18,000, 53,000, तेरे श्रृंगार की कीमत 7,000, बच्चों के स्कूल की फीस 17,000, 77,000, ये है एक चुटकी सिंदूर की कीमत। वरना 10,000 में खर्चा चल रहा था मेरा, ज्ञान मत दे मुझे। एक चुटकी सिंदूर की कीमत मुझसे ज्यादा कौन जानेगा बताओ। इसलिए जीवन में फालतू का ज्ञान मत दो, ऐसी बात करो जो लोगों को ठीक ठाक समझ में आ जाए। और ये वो लोग हैं जो ऐसी बात करते हैं जो ठीक ठाक समझ में आ जाती है, क्योंकि बड़ी सामान्य सी सहज सी सरलता से बात करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज वाह भाई वाह के मंच पे सिर्फ एक कवि ऐसा है जिसे उसे भी पहली बार टेलीविजन पे हमने ही बुलाया, वाह भाई वाह के मंच पे बुलाया, और एक एपिसोड आते ही धर्मराज शायर ने ऐसी तरक्की की कि इनके जो चैनल है, इनका जो सोशल मीडिया पे चैनल, उस पे अचानक एक एक वीडियो पे 15-15, 20-20 लाख व्यूज आने लगे। ये कमाल है वाह भाई वाह का, धनराज हमारे बीच में। और बाकी 3 वो लोग हैं जिन्हें पहली बार टेलीविजन पे आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं, और यकीन मानिए आज ये जब प्रस्तुत होंगे तो ये भी देश में ऐसे ही छा जाएंगे। उनमें से रतलाम मध्य प्रदेश के अब्दुल सलीम खोकर, उनके पास है गाजियाबाद की डॉक्टर ज्योति उपाध्याय, राजस्थान में भरतपुर एक जिला है वहां कामा नाम की एक तहसील, और कामा से अपनी वामा के साथ आए हैं DK जैन। ये तीनों पहली बार प्रस्तुत किए जा रहे हैं, माइक दो जरा ज्योति को। किस चीज की डॉक्टर हो तुम? मैंने PhD की है समाजशास्त्र में। समाजशास्त्र में, सोशियोलॉजी में क्या विषय था आपका डॉक्टरेट में? अपराधी महिलाओं का समाज शास्त्रीय अध्ययन डासना और मेरठ जेल के संदर्भ में। अपराधी महिलाएं, आप उनसे जाके मिली होंगी और आपने सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम ढूंढी के क्यों बनती है महिलाएं अपराधी? सर बहुत कारण होते हैं जो आज भी हमारे समाज में पूर्ण रूप से पाए जाते हैं, जिनका कोई तो बगैर कारण ही अपराधी होता है ना।
तो बेचारा पुरुष है, ठीक पुरुष कहीं का। खैर आपने बहुत अच्छे विषय पे पीएचडी की है, मैं उसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ। तो डी के जैन कामा से, धर्मराज उपाध्याय शहर उन्नाव से जो मूलतः श्रावस्ती के रहने वाले हैं, अब्दुल सलीम खोकर रतलाम से, डॉक्टर ज्योति उपाध्याय गाजियाबाद से, हम सबके अब्दुल सलाम खोकर सलाम। वाह मैंने सलाम को सलीम कर दिया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अब्दुल सलाम खोकर रतलाम से। आइए हम सबसे पहले उन्हें बुलाते हैं जो खुद कह रहे हैं सलाम। आइए अब्दुल सलाम खोकर, जोरदार तालियां। सबसे पहले शिमारू टीम की चंदीप और शैलेश जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, साथ ही हार्दिक शुभकामनाएं कि कविता को घर घर तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया और पहुंचा रहे हैं। आइए शुरू करता हूं। कोई मंत्र चल न पाया और ना छल से गया, कोई मंत्र चल न पाया और ना छल से गया, वो काग जैसे ही खुला तो जिन्न बोतल से गया, वो डॉक्टर भी ठीक ना कर पाए उस बीमार को, इश्क वाला रोग था जो सिर्फ चप्पल से। सिर्फ चप्पल से गया। उसने फकत कयास में क्या क्या समझ लिया, अंदाजा कयास अनुमान। उसने फकत कयास में क्या क्या समझ लिया, अच्छा समझ लिया कभी लुच्चा समझ लिया। अब उसकी याद में जरा दाढ़ी क्या बढ़ गई, उसने मुझे मजार का बाबा समझ। चार पंक्तियां और देखें कि खूब कसरत से खिलाया और कबाड़ा कर दिया। ओहो खूब कसरत से खिलाया, खूब कसरत से खिलाया और कबाड़ा कर दिया, मेरी सेहत का सनम तूने बिगाड़ा कर दिया, वो खुद भी खा खा के बहुत मोटी सी पाड़ी बन गई, आदमी था मैं मगर मुझको भी पाड़ा कर। रिटायर हुआ हूँ, पेंशन कम मिलती है, सुनिए, घूरती रहती है तुझ ही को हसीनाएं सब। ये उधर देख के क्यों कहा आपने, उधर हसीनाएं नहीं है एक ही है। घूरती रहती है तुझ ही को हसीनाएं सब, कौन बोला था ये तुझसे कि तू शायर हो जा। वो पेंशन देख के मुझसे मेरी बीवी बोली, जितनी जल्दी हो तू दुनिया से रिटायर। वाह वाह खोकर मियां वाह, बहुत अच्छे। वो घर पे मिलने आ गई, भेजा सटक गया। अच्छा वाह, वो घर पे मिलने आ गई, भेजा सटक गया, वो बीवी से पूछते हुए लहजा अटक गया, और बैठा जो पिछली शाम तो मुझको जुए दिखी, सोफे पे मेरे कौन ये जुल्फे झटका। वाह सोफे पे मेरे कौन ये जुल्फे झटक गया, हाय हाय हाय। ओ बीवी से इस तरह भी शरारत किया करो, बीवी से इस तरह भी शरारत किया करो, ओ बच्चों की कुछ ना कुछ तो शिकायत किया करो, वो चाहे पड़ोसी रोज ही गाली बके तुम्हें, लेकिन पड़ोसनों से मोहब्बत। बहुत बढ़िया, क्या बात है, कितनी शिक्षा प्रद बात आपने कही। भले ही पड़ोसी कितनी भी गालियां दे, लेकिन पड़ोसनों से मोहब्बत। अच्छा पड़ोसनों, वो भी बहुवचन है, इधर वाली उसके उधर वाली, उसके उधर वाली, सामने वाली, कोई छोड़ो ही मत, मतलब कितने लोकप्रिय होंगे आप अपने मोहल्ले में, इससे जाहिर होता है। वाह 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 बहुत बढ़िया, वाह वाह। बहुत अच्छी बात है, जीवन में मोहब्बत मिलनी चाहिए, और धर्मराज शायर उपाध्याय को ये मोहब्बत मिली जब वो पहली बार वाह भाई वाह के मंच पे आए, और उसके बाद अचानक ही उन्होंने जो तरक्की की वो कमाल की। और आपको एक जानकारी दे दूं, धर्मराज शायर दिल से शायर हैं, लेकिन उन्नाव में सीनियर वरिष्ठ
पुलिस इंस्पेक्टर हैं। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए धर्मराज शहर का। आइए धर्मराज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी कविता है पूर्व मंत्री जी। चुनाव में हारे हुए एक पूर्व मंत्री जी, बिना चमचों के बिना संतरी जी, शहर की एक बाजार से दोपहर दो बजे टहल रहे थे। शहर की एक बाजार में दोपहर दो बजे टहल रहे थे, कुछ भूखे कुछ अनमने एक खाने के ठेले के सामने से निकल रहे थे। खत्म सारे भौकाल हुए थे, खत्म सारे भौकाल हुए थे। अरे उन्हें चुनाव हारे हुए भी तो 5 साल हुए थे। खाने के ठेले वाले ने उन्हें देखा और मुस्कुराया, बिना कुछ कहे एक प्लेट खाना उनकी तरफ बढ़ाया। मंत्री जी ने खाना खाते हुए कहा, यार तुम्हारे चावल कुछ सूखे सूखे हैं, और तुम्हें कैसे पता चला, तुम्हें कैसे पता चला कि हम सुबह से भूखे हैं? ठेले वाले ने कहा, हुजूर मेरे चावल से ज्यादा तो आपके गाल सूखे सूखे हैं, मेरे चावल से ज्यादा तो आपके गाल सूखे सूखे हैं। अरे सुबह से नहीं हुजूर, आप तो पूरे 5 साल से भूखे हैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे धर्मराज, बहुत अच्छे। याद करिए, याद करिए पहले आप कितना खाते थे। जंगल जमीन नहर सब तो निगल जाते थे। क्या बात है। गांव के गरीबों की, गांव के गरीबों की जमीन आपने पहले सरकारी करवाई थी और फिर अपने नाम से पट्टा करवा करके हुजूर नहीं तो खाई थी। क्या बात है। हुजूर जिसका खाते हैं, हुजूर जिसका खाते हैं वो कहीं ना कहीं सेट हो जा रहे हैं। वाह। हुजूर जिसका खाते हैं वो कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं। ये आपका ही इकबाल है जो उस अंधेरे इतिहास से हम इस जगमगाते शहर में ठेला लगा रहे हैं। क्या बात है। मैं आपसे बहुत खुश हूँ, सारी दुनिया को बता सकता हूँ। मैं आपसे बहुत खुश हूँ, सारी दुनिया को बता सकता हूँ। अरे मेरी जमीन तो आपने पहले ही खा ली, मेरी जमीन तो आपने पहले ही खा ली। अब आपको खाना, ये सिलेंडर, ये ठेला, ये राशन, ये सब कुछ खिला सकता हूँ। जय हिंद, जय वाह। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वाह धर्मराज, आपने भ्रष्टाचार पे बड़ा मारक प्रहार किया, बहुत जबरदस्त कटाक्ष किया, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। क्योंकि तो कविता सिर्फ हंसाने का कर्म ही नहीं करती है, कविता आपको उन सब चीजों पर सोचने पर भी मजबूर करती है जो आप कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते, और कवि आपकी भाषा बन के कह देता है। आपने वो बात कही, निश्चित तौर पे कुछ भ्रष्ट नेता ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ऐसी कविताएं लिखनी पड़ती है। मुझे एक बड़ा पुराना लतीफा याद आ गया, एक जमाने में हिंदी कवि सम्मेलनों के मंचों में बड़ा मशहूर हुआ करता था ये लतीफा। एक जैसे एक भारतीय मंत्री जी किसी प्रदेश के किसी विशिष्ट दल में विदेश गए। अब विदेश गए तो वहां के एक मंत्री के घर थे और शानदार बंगला, इतना बढ़िया जबरदस्त सब कुछ। तो उन्होंने वहां के मंत्री से पूछा, भाई तुम्हारा कमाल है यार, तनख्वाह कितनी मिलती है तुम्हें? भाई तनख्वाह तो जो मिलती है उन्होंने बता दी। बोले इस तनख्वाह में तो बंगला बन नहीं सकता, कैसे हुआ कैसे ये? तो विदेश वाले मंत्री जी हमारे मंत्री जी को छत पे ले गए और बोले वो सामने वो नदी दिख रही है? बोले हाँ दिख रही है। उसमें बना वो पुल दिख रहा है? बोले हाँ दिख रहा है। बोले वो उसी के 10% से बना है? बोले वाह ये हुई ना कुछ बात। अब ये लौटा है अपने प्रदेश में चले गए। अब वही विदेश वाला मंत्री भारत में यात्रा करने के लिए आया और इनके पास गया तो कहा क्या? इन्होंने कहा आप मेरे घर ठहरे थे तो अब बताइए। तो बोले आप मेरे घर ठहरिए। अब भारतीय एक प्रदेश के मंत्री जी ने उसी विदेश के मंत्री जी को अपने घर ठहराया तो उनसे भी बड़ा बंगला, जबरदस्त, 4 गुना कमाल हो गया। अब इन्होंने पूछा कि ये कैसे किया? बोले आओ छत पे आओ। वो छत पे लेके गए, बोले सामने वो नदी दिखती है? बोले कौन सी नदी? बोले उस पे बना पुल दिखता है? बोले कौन सा पुल? बोले उसी के 100% से बना। अब्दुल सलाम खोकर और धर्मराज उपाध्याय ने दो अलग अलग अंदाज से अपनी अपनी बात कही। और अब हम बुलाते हैं ज्योति उपाध्याय को, जो सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र में डॉक्टरेट है लेकिन कविताओं पे अपनी पकड़ रखती है। गाजियाबाद से हमारे बीच में आई है और हम चाहेंगे कि पहली बार वो वाह भाई वाह के मंच पे आइए, पहली बार कैमरों के सामने से होके आपके घरों तक पहुंच रही है, तो उसे इतना प्यार दीजिए कि वो सारे देश में छा जाए। डॉक्टर ज्योति उपाध्याय। बहुत आभार सर आपका।
देखिए सोशल मीडिया के बारे में आप सभी जानते हैं, तो आज मैं सोशल मीडिया की एक नई परिभाषा आप सभी के समक्ष रखने जा रही हूँ। ये परिभाषा मेरे दद्दा, मेरे ताऊ और मेरे बाबा के हिसाब से क्या है, जोड़ती हूँ आप सभी को, सुनिएगा। सोशल मीडिया मेरे राम, कर दे सबके काम तमाम। सोशल मीडिया मेरे राम, कर दे सबके काम तमाम। सोशल मीडिया मेरे राम, कर दे सबके काम तमाम। हर पल जागत को भौना सोवे, हर पल जागत का भौना सोवे, करते रहे बस काम। सोशल मीडिया मेरे राम, कर दे सबके काम तमाम। सोशल मीडिया मेरे राम, कर दे सबके काम तमाम। बापू पूछे क्या करते हो हर पल इसमें रह के, बापू पूछे क्या करते हो हर पल इसमें रह के, अम्मा बोली वो सब करते जिनके सपने देखे। बापू तुम क्या जानो इनमें, बापू तुम क्या जानो इनमें, दिल के थाप रहते। सोशल मीडिया मेरे राम, कर दे सबके काम तमाम। सोशल मीडिया मेरे राम, कर दे सबके काम तमाम। नेता हो या हो अभिनेता, सबकी खबर ये देते हैं। हम तो बस चिपके रहते हैं, बस जोते हम खेत हैं, उल्टे सीधे नाच नचाते, सोशल मीडिया मेरे राम, कर दे सबके काम तमाम। सोशल मीडिया मेरे राम, कर दे सबके काम तमाम। आखिरी बंद जोड़ रही हूँ। इश्क लड़ावे हैं FB पर, इश्क लड़ावे हैं FB पर, नंबर बदल है जाते। इश्क लड़ाते हैं FB पर, नंबर बदले हैं जाते। जात पात का चक्कर छोड़ा, लव यू गाते। अब घर वालों को ना पूछे, अब घर वालों को ना पूछे, सीधो ब्याह जाते। सोशल मीडिया मेरे राम, कर दे सबके काम तमाम। सोशल मीडिया मेरे राम, कर दे सबके काम तमाम। जय हो। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे ज्योति। वाह 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 वाह। डॉक्टर ज्योति उपाध्याय, क्या बात है, तुमने कविता पढ़ी, पहली बार आई हो और इतना प्यार तुमने पाया। मैं तुम्हारी कविता के लिए तो तुम्हें बधाई देना चाहते हूँ, लेकिन तुम्हारे आत्मविश्वास के लिए और जिस झूम के तुमने गीत पढ़ा उसके लिए भी तुम्हें बधाई देना चाहता हूँ। आपने कविता पढ़ी नहीं, उसे जिया भी, और ये बड़ा जरूरी है, कविता को जीना बड़ा जरूरी है। इसका उदाहरण अगला कवि है मेरे पास, DK जैन मित्तल, कामा भरतपुर से हमारे बीच में है। और वाह भाई वाह, मैं कविता पढ़ना किसी व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, उसका उदाहरण DK जैन है। जब से कार्यक्रम शुरू हुआ, मेरे सचिव धर्मेंद्र चौहान के पास DK ने बिला नागा हर रोज 2 दिन में 3 दिन में 4 दिन में अपनी रचनाएं वो भेजता रहा कि मुझे आना है, मुझे आना है, मुझे आना है। DK कविता में अभी उतना परिपक्व शायद नहीं होगा, लेकिन समय के साथ होता चला जाएगा। लेकिन जरूरी है कि वो कविता लिख रहा है और कोशिश कर रहा है और आने के लिए बेताब है, बेसब्र है, और उसके पूरे परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण है यहाँ आना। तब मुझे महसूस हुआ कि वो अपने पूरे परिवार को साथ लेके आया, उनकी पत्नी यहाँ है, उसके दोनों बच्चे यहाँ हैं। इससे जाहिर होता है कि एक परिवार किस तरह हिंदी कविता के समर्थन के लिए खड़ा है। मैं चाहता हूँ DK के इस परिश्रम का पुरस्कार आज उन्हें मिले, वो आके अपना संक्षिप्त काव्य पाठ करें और सारे देश में छा जाएं। DK जैन लिखते हैं। आदरणीय शैलेश सर को प्रणाम करता हूँ, जो नई नई प्रतिभाओं को मंच दे रहे हैं।
चलाते सृष्टि को जो ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, चलाते सृष्टि को जो ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, विघ्न हरता प्रथम पूजय शिव के गणेश होते हैं। बड़े होकर बड़े रहना कोई सीखे जरा इनसे, बड़े होकर बड़े रहना कोई सीखे जरा इनसे, जो देते मंच प्रतिभा को वही शैले शैलेश होते हैं, जो मेरे दिल में होता है वही पैगाम लिखता हूँ, मयसर हो नहीं पाता वही हर जाम लिखता हूँ। मोहब्बत की है जिसको आज तक दिल में में उसी का नाम लिखता, मैं अपने गीत गजलों में उसी का नाम लिखता हूँ, अपने सारे दर्द सजा कर लिखता हूँ। बाबा आँखों की मैं नींद चुरा कर लिखता, क्या बात है दिखे, खुशियाँ मेरी रूठ गई सारी मुझसे, खुशियाँ सारी रूठ गई मेरी मुझसे, अश्कों में मैं कलम डुबा कर लिखता, हाय हाय कलम डुबा कर लिखता हूँ, क्या बात है ठीक है, अश्कों में मैं कलम डुबा कर लिखता हूँ। चार पंक्तियां और रखता हूँ। कोई किसी का दिल जब टूटता है, आप सभी ऑडियंस बैठी हैं, किसी का दिल टूटता है तो कोई गम में चला जाता है, कोई उस गम में चला जाता है, कोई उस गम के सहारे गम को भुलाकर अपनी जिंदगी जीता है। सुनिएगा चार पंक्तियां। हाँ। दिल पे ताला लगा कर चली वो गई, दिल पे ताला लगा कर चली वो गई, वादे सारे भुला कर चली वो गई, तोड़ कर दिल को मेरे जो तन्हा किया, तोड़ कर दिल को मेरे जो तन्हा किया, मुझको शायर बना कर, आए, आए, वा, 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 वा। शाबाश दिखे, बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह। देखे ये तुम्हारी मेहनत का परिणाम है, मैं तुम्हारी नम आंखों को देख रहा हूं, इससे ज्यादा खुशी किसी व्यक्ति को क्या हो सकती है। आप देखें वो कितना भावुक हो गया है, और ये भावुकता बिल्कुल सही है, इंसान ही भावुक हो सकता है, पत्थर भावुक नहीं होते, और ये प्यार तुम्हें मिला पहली बार टेलीविजन आने पर, मैं इस घटना से बड़ा खुश हूं। आप और ज्योति पहली बार आए, सलाम भी पहली बार आए, लेकिन आके जिस तरह छा गए, धर्मराज तो पहले ही छाए हुए, तो ये तमाम लोग आए और छा गए, इसके लिए मैं आप चारों को तो बधाई देना चाहता हूँ। एक सेकंड के लिए मैं बात करना चाहूंगा डीके की पत्नी से, जो खड़े होकर तालियां बजा रही थी अपने पति के लिए, जरा माइक दीजिए जी। क्या नाम है आपका? ज्योति। ज्योति, हाँ जी। वाह डीके की ज्योति, कैसा महसूस हो रहा है आपको आज?
बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही कि मैं यहाँ पर आकर इनको देख पा रही हूँ। आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर रही है, लेकिन कल डीके को कविता पढ़ते हुए करोड़ों आंखें देख रही है। इन्होंने जब मुझे फोन करके बताया, उस टाइम जब आपका फोन गया था, ये शॉप पर थे और मैं काम में लगी हुई थी, तो इनका फोन आया कि मेरे को फोन आया है वहां से और हमको जाना है। कह देती थी कि डांट करके, तुम खाली सपने देखा करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुमको कौन बुला रहा है वहां पर। मैं हमेशा डांट के इनको पीछा कर देती थी, लेकिन कौन बुला रहा है? मैं बुला रहा हूं। लेकिन और मैं सिर्फ डीके को ही नहीं, शिवारू टीवी और मैं हम हर उस प्रतिभा को बुलाएंगे जो इस देश के किसी कोने में है और जिसकी पत्नी को लगेगा कौन बुला रहा है तुम्हें, चिंता मत करो, हम बुलाएंगे। और जब